दोस्तों, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपने ये मूवी ज़रूर देखा होगा। 2022 में रिलीज हुई ये फिल्म पहाड़ जैसे दिखने वाले एक मॉन्स्टर पर बनी है, जिसे ट्रोल कहा जाता है। और ये ट्रोल्स हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं, क्योंकि नॉर्वे और आइसलैंड जैसे वाइकिंग देशों की पौराणिक कथाओं में भी इन ट्रोल्स का जिक्र हुआ है। इसलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया तो ये वाला इमेज सामने आया। अब ये क्या है और इसका उस मूवी से क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक रहस्यमयी, विस्मयकारी और शानदार रॉक फॉर्मेशन को, जिसका नाम है क्विटसर्कर। जी हाँ, आइसलैंड में इसको इसी नाम से जाना जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार है। क्विटसर्कर एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जो आइसलैंड की समुद्र तट में स्थित है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है आइसलैंड की पेनिनसुला में इस लुभावनी परिदृश्य के साथ, जिसने क्विटसर्कर को चारों ओर से घेर रखा है। इस जगह पर टूरिस्ट हर सीजन में आते रहते हैं, पर समर सीजन में ज़्यादा क्राउड देखने को मिल सकती है। इस मैसिव रॉक फॉर्मेशन की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। ऐसा दिखाई देता है मानो कोई मिस्टिकल क्रीचर है जो समुद्र के पानी को पिए जा रहा है। लोगों ने इसके कई सारे नाम दिए हैं, जैसे एलिफेंट रॉक, राइनो रॉक एंड ड्रैगन रॉक। ये वास्तव में एक नेचुरल मास्टरपीस है जिसे प्रकृति ने तराशा है। आइसलैंड की लोक कथाओं के अनुसार क्विटसर्कर एक ट्रोल था जो पारसी के किसी चर्च को नष्ट करने आया था। तभी इस पर सूरज की पहली किरण पड़ी और ये हमेशा के लिए पत्थर के रूप में तब्दील हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने उस मूवी का जिक्र स्टार्टिंग में क्यों किया था। खैर, ये तो किताबी बातें हैं, आइए अब जानते हैं इस पर विज्ञान के पैमाने क्या कहते हैं। एक तथ्य के अनुसार ये रचना किसी वोल्केनिक इरप्शन से निर्मित हुआ है, अर्थात पहले ये लावा का ढेर रहा होगा जो हजारों साल की जियोलॉजिकल फोर्सेस के कारण इस रूप में तब्दील हो गया है। बताया जाता है कि ये 7000 साल पुराना है। हालांकि तथ्य जो भी कहते हों, हमें कुछ खास मतलब नहीं है। जनरली इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, हमें तो बस इस प्लेस को एंजॉय करना है। जो लोग वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, उन लोगों को ये जगह काफ़ी पसंद आएगी। इसके चारों ओर पक्षियों की कई प्रजातियां अपना घर बनाती हैं, जिनमें पफिन्स, गिलमॉर्स और रेजर बिल्स भी शामिल हैं। यदि आपका लक अच्छा रहा तो यहाँ आपको सील्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस समुद्र तट को एक्सप्लोर करते समय आप महसूस करेंगे कि यहाँ की प्रकृति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप उन आवाज़ों को भी सुन पाएंगे जिन्हें साउंड ऑफ द नेचर कहा जाता है। आपस में टकराती समुद्र की लहरें, समुद्री पक्षियों की आवाज़ें और यहाँ का शांत वातावरण एक अमेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। यदि आप घूमने के साथ साथ फोटोग्राफी करना भी पसंद करते हैं, तो सनराइज या सनसेट का वेट करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय की सुनहरी किरणें जब इस रॉक फॉर्मेशन को छूती हैं, तब एक मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है। अब क्योंकि आपने इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और साथ में सेल्फी वगैरह भी ले लिए, तो अगर आप चाहें तो वापस आने से पहले इन पलों को यादगार बनाने के लिए छोटी मोटी फेयरवेल पार्टी भी कर सकते हैं। तो आज की इस ब्यूटीफुल से जर्नी में आपको और हमारा साथ बस यहीं तक था। हमें उम्मीद है इस एडवेंचर को आपने पूरा एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और हमसे जुड़ना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी नए एडवेंचर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे क्यूरियस।